ये कोई साधारण बालक नहीं है। इसने अपने माया के प्रभाव से बिना हमारी प्रतिमा को स्पर्श किए उसे खंडित कर दिया। ये अवश्य महादेव के पुत्र गणेश अथवा उनके दूसरे कोई अवतार हैं। जब हम अपनी माया से अपने पिताश्री को भ्रमित कर सकते हैं तो हमें किसी पर निर्भर होने की क्या आवश्यकता। अब हमें अपनी अत्यंत भयावह शक्तियों का प्रयोग करना होगा इसके विरुद्ध। जैसे जैसे वो दुर्गमासुर और शक्तिशाली हो रहा है उसके अनुष्ठान की गति और बढ़ती जा रही है। मुझे शीघ्र इस मायासुर का उपाय कर नागों की सहायता करनी होगी, जिसके उपरांत दुर्गमासुर को ढूंढकर रोकना होगा उसे। सम्मुख पाकर कहां भागने का प्रयास कर रहे हो दुष्ट मायासुर? वायु मार्ग से नहीं तो क्या, हम अपने पैरों से चलकर जाएंगे। दुष्ट ने तो हमारा ये मार्ग भी बाधित कर दिया। अब कहीं भी जाने का विचार त्याग दो मायासुर, क्योंकि अब तो तुम अपने स्थान से तनिक भी आगे नहीं बढ़ सकोगे। इसने तो हमें इसी स्थान पर बंदी बना दिया। दुष्ट मायासुर, यहाँ कोई नुकीली शिलाएं नहीं है, ये तो मात्र मेरी माया है, गणेश माया, जिसने तुम्हें बांध कर रख दिया है। कदाचित तुम्हें रोकने के लिए तो इतना ही पर्याप्त है। ब्रह्मदेव के पुत्र हो तुम, इसलिए तुम्हें एक अंतिम अवसर दे रहा हूँ सुधरने के लिए। माता आदि शक्ति के प्रति शत्रु भाव रखने वाले दुष्ट पापी दुर्गमासुर की सहायता करने और निर्दोष नागों पर अत्याचार करने के लिए माता से क्षमा याचना करो और दुराचार को तज कर सदाचार का मार्ग अपनाओ दुष्ट। ओम गणपतये नमः। गणपतये नमः। ओम गणपतये नमः। ओम गणपतये नमः। ओम गणपतये नमः। जाओ क्षमा मांग लो माता से, बन जाओ उनके शरणागत, तभी तुम्हारे प्राणों की रक्षा संभव है। ओ, मेरा ये वस्त्र इस शिला को भेद कर इसके पार कैसे जा रहा है? अर्थात यहाँ ऐसा कुछ नहीं जो दिखाई दे रहा है मुझे, वो मात्र इसकी माया है। अब मैं तुम्हें भ्रमित करूंगा बालक। कहो, क्षमा याचना करोगे माता से? सदाचार का मार्ग स्वीकार करोगे तुम? बालक, तू अपने आप को अत्यंत चतुर समझता है ना? किंतु तुझसे अधिक चतुर हम हैं, मायासुर। तुम्हारी माया का उचित उत्तर देंगे हम। अपनी माया से समस्त ब्रह्मांड को डिगा कर रख देंगे, अस्थिर कर देंगे, अस्थिर। और तुम कुछ नहीं कर पाओगे हमें, कुछ भी नहीं।
जय माता, जय जय तामसिक माता। ओम गण गणपतये नमः। ओम गण गणपतये नमः। केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं कल्विन्द्रं ब्रह्मासि। अभी भी वहां प्रवेश करने का स्थान उपलब्ध नहीं। जय माता, जय जय तामसिक माता। दुर्गमासुर का अनुष्ठान तो निरंतर पूर्णता की ओर बढ़ रहा है, किंतु यदि ये नाग जागृत होकर अपने स्थान से नहीं हटे तो उसे रोकना संभव नहीं होगा। किंतु उसके पूर्व मायासुर को भी रोकना अनिवार्य है, परंतु ज्ञात नहीं अब कैसा अनिष्ट करने जा रहा है। वो समस्त ब्रह्मांड को डिगा कर रख देगा, यही कहा था उसने, किंतु कहां जाकर क्या करने वाला है वो कुछ भी स्पष्ट नहीं है। ब्रह्मांड की रचयिता तो ब्रह्मदेव है, अवश्य वो दुष्ट ब्रह्मदेव के निकट गया होगा। मुझे भी यथाशीघ्र वहीं पहुंचना चाहिए। रुक जाओ वहीं। आप मुझे क्यों रोक रहे हैं प्रभु ब्रह्मदेव? कदाचित आपने मुझे पहचाना नहीं। मैं कोई अन्य नहीं, प्रथम पूज्य गणेश का ही विस्तार हूँ। जो कोई भी हो तुम, तुम्हें ब्रह्मलोक में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। पुनः अपनी माया का प्रयोग किया उस दुष्ट ने। मेरा पुत्र है ये, और तुम हो इसके शत्रु। ये भली भांति समझ लो कि मैं अपने पुत्र मायासुर को तनिक भी क्षति नहीं पहुंचने दूंगा। ब्रह्मदेव, प्रभु, मायावी मायासुर ने आपको अपनी माया से पुनः छलकर अपने वश में कर लिया है। कृपा कर उसकी माया से बाहर आइए, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। बस बहुत हो चुका। मैं अपने पुत्र मायासुर के विरुद्ध कोई भी आरोप नहीं लगाने दूंगा तुम्हें। ब्रह्मदेव, मैं पुनः कह रहा हूँ, मैं पार्वती नंदन शिव पुत्र गणेश का अवतार हूँ। पहचानिए मुझे और समझिए कि मायासुर को रोकना अति आवश्यक है। यदि तुम्हारा इसको रोकना अति आवश्यक है तो मेरा भी तुमको रोकना अनिवार्य है। शिव पुत्र होने के नाते यदि तुम महत्वपूर्ण हो तो क्या ब्रह्म पुत्र होने के नाते मेरा पुत्र मायासुर कोई महत्व नहीं रखता? उसकी माया के प्रभाव में आकर आप ये कैसे अनुचित वचन बोल रहे हैं प्रभु? हाँ, मैं माया के प्रभाव में आ गया था, इसलिए मैं भ्रमित था, किंतु अब वो भ्रम खंडित हो गया है और मैं समझ गया हूँ कि मैं कौन हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ। इस समय जो आप कर रहे हैं वो सर्वथा उचित नहीं है। आप गणेश जी के लंबोदर अवतार को आगे बढ़ने दीजिए, उन्हें मायासुर का वध करने दीजिए। वो मायासुर जो आपके पुत्र होने का परिचय केवल तब देता है जब उसे उसकी आवश्यकता पड़ती है। ये मेरा पुत्र है, यही इसका परिचय है। आप यहाँ आके मुझे समझाने की चेष्टा मत कीजिए इंद्रदेव। ये ब्रह्म लोक है, स्वर्ग लोक नहीं, जहां आपका प्रभुत्व है।
ये बोल सृष्टि के रचयिता वेदों के ज्ञाता ब्रह्मदेव के तो नहीं हो सकते। ये अवश्य इस मायासुर की माया है। बाहर आ जाइए प्रभु, उस मायावी की माया से बाहर आ जाइए और सत्य को पहचानिए। ये उपाय तो अत्यंत लाभदायक है। हमें इससे पूर्व ही इस उपाय का प्रयोग करना चाहिए था। ये मूर्ख देवता तो इसी में व्यस्त हैं और हमारा मित्र दुर्गमासुर अपना अनुष्ठान पूर्ण कर रहा है। नमस्ते गणपते, त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि, त्वमेव केवलं कर्तासि, त्वमेव केवलं धर्तासि, त्वं ब्रह्मासि। जय नमः, जय 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 हंसी माता, जय नमः, जय 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 हंसी माता, जय नमः, जय 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 हंसी। भीतर से आ रहा उस दुष्ट का स्वर हमें हमारे उद्देश्य से भटकाने का कितना ही प्रयास क्यों ना करे, किंतु हमें अपने कर्तव्य पर अडिग रहना होगा। जिसे भीतर जाने का स्थान उत्पन्न कर उस असुर के अनुचित अनुष्ठान में व्यवधान उत्पन्न कर उसे रोक सके। जय जय मां, जय जय तामसिक माता, जय जय मां। शीघ्र ही मैं अपना अनुष्ठान पूर्ण कर अजय बन जाऊंगा और फिर पराजित करूंगा उन देवी आदि शक्ति को जो स्वयं को महाशक्ति समझती है। देखिए माता, अब 94 करोड़ की संख्या दूर नहीं है माता। माता 49 करोड़। जय हो माँ। अब इस दुष्ट का अनुष्ठान एक स्तर और बढ़ गया है। हमें शीघ्र ही कोई उपाय करना चाहिए, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। माँ, मुझे उस असुर की शक्ति में वृद्धि का आभास हो रहा है। तो क्या गणेश ने अपने लंबोदर स्वरूप में दुर्गमासुर का वध नहीं किया अभी तक? पुत्र, दुर्गमासुर का अनुष्ठान अगले स्तर पर पहुंच चुका है। अपनी शक्ति में अपार वृद्धि कर चुका है वो। इसीलिए अब नागों को जागृत करना और भी कठिन हो चुका है। इस समय लंबोदर गणेश के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है मायासुर का वध, क्योंकि यदि वो मायावी जीवित रहा तो वो भांति भांति की माया की रचना कर दुर्गमासुर की सहायता का प्रयास करेगा। और दुर्गमासुर का अनुष्ठान संपन्न हुआ तो वो दोनों असुर एक साथ आकर अपने आतंकी अति कर देंगे। माँ, तब तो मुझे जाकर लंबोदर गणेश की सहायता करनी चाहिए ना? पुत्र, समस्त देवता पूर्व से ही उसकी सहायता के लिए वहां प्रस्तुत हो चुके हैं, किंतु यदि तुम भी उसकी सहायता करना चाहते हो तो अवश्य जाओ। वो इस समय ब्रह्मलोक में। मुझे क्षमा कीजिए फूफा जी, किंतु अभी आपकी बुद्धि आपके नियंत्रण में नहीं है। कृपया उसे पुनः साधिए, क्योंकि वो अपनी आसुरी माया से आपको हमारे अर्थात उनके विरुद्ध खड़ा कर रहा है जो धर्म पथ पर चलते हैं। हमारा का कोई अर्थ नहीं है। अब तो हम हैं हम, मैं, मेरी पत्नी और मेरा पुत्र, एक छोटा सा परिवार। मैं और मेरा परिवार, इसी भ्रम ने तो अर्ध जगत को अपने वश में कर रखा है। आप तो स्वयं जगत कल्याण के लिए समर्पित हैं, तो फिर आप भी इस भ्रम से कैसे भ्रमित हो सकते हैं ब्रह्मदेव? भ्रम नहीं, सत्य है ये। वो किसी अन्य का क्या भला करेगा जो स्वयं अपने ही परिवार की रक्षा नहीं कर सकता? जो सबसे निकट है हमारे, सर्वप्रथम उनकी रक्षा करना आवश्यक है। फिर यदि समय और इच्छा है तो किसी अन्य का विचार करना चाहिए। इसलिए
इस समय अपने पुत्र की रक्षा करना ही हमारा परम कर्तव्य है और सर्वथा उचित भी है। हाँ सत्य वचन, सर्वथा उचित कहा सरस्वती ने। निस्वार्थ के बारे में सोचो, अपने आप को सर्वोपरि रखो, अपनी भलाई के बारे में सोचो और प्रसन्न रहो। प्रणाम ब्रह्मदेव। तुम भी आ गए, तुम इसके भाई हो ना, इसी का ही साथ देने के लिए आए हो। हाँ ब्रह्मदेव, साथ देने आया तो था, किंतु यहाँ तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इस समय उसे नहीं आपको सहायता की आवश्यकता है। उस पापी मायासुर की माया से बाहर आकर ये समझने की कि पिता पुत्र भाई का संबंध महत्वपूर्ण नहीं, महत्व तो मात्र इसका है कि कौन सत्य के साथ खड़ा है और कौन भ्रमित है माया से। भ्रम तो ये है तुम्हारा कि हमसे आयु और अनुभव में कम होने पर भी तुम हमें ज्ञान का प्रवचन देने के योग्य हो। प्रणाम पिताश्री। कल्याण। मैं क्यों करूं? इन महादेव का अभिवादन पद और स्थान में मेरे समान ही तो है ये। ब्रह्मदेव, छोटे या बड़े का प्रश्न नहीं है, छोटे या बड़े का जो भेद करे, ये माया तो सांसारिक माया है, इसमें आप कैसे उलझ गए? देखो, एक और परिवार का सदस्य आ गया इसके समर्थन में। पूर्व में भाई आया था, अब पिता प्रकट हो गए। रुको मत, अपने पूरे परिवार का आवाहन करो, चाचा मामा ताऊ सभी को बुलाओ। लो अब इनका भी आगमन हो गया। यदि प्रश्न परिवार का है तो आप इस परिवार से कहां विलग? आप तो इस परिवार के सबसे वरिष्ठ सदस्य हैं। यदि मैं इस परिवार का सदस्य हूँ तो मेरा पुत्र भी इस परिवार का सदस्य है, तो फिर कार्तिकेय महादेव और श्री हरि नारायण आप भी इस गणेश लंबोदर का साथ क्यों दे रहे हैं? इसकी ओर से क्यों बोल रहे हैं? मेरे पुत्र का साथ कोई क्यों नहीं दे रहा है? क्योंकि उसने अधर्म का साथ दिया है, वो पापियों का सहायक बन रहा है। यदि माता पिता पथ भ्रष्ट संतानों का अनुचित समर्थन करेंगे तो उसके अनर्थकारी परिणाम होंगे, फिर वो संतान चाहे किसी भी युग में क्यों ना हो। आज आप मुझे कितना भी भ्रमित करने का प्रयास क्यों ना कर लें, किंतु मैं अपने पुत्र की रक्षा करने के लिए अड़े हुए, इसका परिणाम कुछ भी हो मैं अपने पुत्र का साथ दूंगा। और मैं अपने स्वामी का साथ दूंगी। अर्थात यदि अब भी आप में से कोई मेरे पुत्र का वध करने का प्रयास करना चाहता है तो हमें पराजित करके उसे आगे बढ़ना होगा। मुझे तो अनुमान ही नहीं था कि परिवार का इतना लाभ उठाया जा सकता है। अब तुम क्या करोगे मायावी गजमुख? यहाँ तो तुम्हारी किसी माया का कोई लाभ नहीं होगा। अब तुम जो भी करना चाहते हो कर लो, मैं यहाँ से हटूंगा भी नहीं और तुम्हें भीतर भी नहीं जाने दूंगा। ब्रह्मदेव, ब्रह्मदेव। प्रभु, जो आपने अभी कहा कि आप कदापि मुझे भीतर प्रवेश नहीं करने देंगे, यही तो सबसे बड़ा भ्रम है आपका। लगा
सबसे बड़ा प्रमाण है, क्योंकि सत्य तो यही है कि मुझे भीतर प्रवेश करने से कोई नहीं रोक सकता, मुझे कहीं पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि मैं सर्वत्र हूँ। मैं ही हूँ और ब्रह्मांड में जो भी है वो मेरे ही तो भीतर है। माता पिता को नेत्रहीन ही नहीं अपितु निर्बल भी बना देता है, इसलिए बिना सत्य जाने शीघ्रता से लिया गया निर्णय उनके लिए संकट का कारण भी बन सकता है। फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।